यानी दिल्ली से पंजाब और पंजाब से वापस अब दिल्ली में। इस बीच कांग्रेस विधायक मदनलाल जलालपुर के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की भी मौजूदगी बहुत खास है क्योंकि बातचीत उनकी भी हुई है। मदनलाल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनने से पंजाब में कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार विधायक और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और मदनलाल विधायक हैं, उनके घर पहुंचे, आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पे इकट्ठे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। मदनलाल जी, सिद्धू साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, पंजाब के लोग चाह रहे हैं, पंजाब का यूथ चाह रहा है, पंजाब का किसान चाह रहा है, पंजाब का सिख वोटर चाह रहा है। वो कहते हैं जब तक सिद्धू जी अध्यक्ष प्रधान नहीं बनेंगे पंजाब कांग्रेस के, तो पंजाब को में वोट डालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज पंजाब का यूथ निराश हो बैठा है, इस करके मैं कहता हूँ पंजाब जो साढ़े सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनकी सोच अच्छी है, जो इनको प्रधान बनाने जा रहे हैं। मैं कहूँगा जिस दिन प्रधान चुने गए पंजाब के, एकदम कांग्रेस बड़ी तकड़ी होकर उभरेगी। पंजाब में जो पोजिशन पहले थी कांग्रेस की, आज से 5 साल पहले, उसी पोजीशन में कांग्रेस पहुंच जाएगी। दोबारा कांग्रेस सत्ता में आई आपको लगता है? देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू अभी बोल नहीं रहे हैं, जब अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा हो जाएगी तब वो बात करेंगे। बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बाद में बोलेंगे।